यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शिमला में पानी की कमी के चलते हिमाचल कांग्रेस नगर निगम की बर्खास्ती की मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस का आरोप है कि शहर की जनता जहां बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, तो वहीं इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी एक बड़ा धक्का लगा है। ऐसे में बीजेपी को नगर निगम पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस के विधि विभाग के अध्यक्ष का कहना है कि लोगों को पानी मुहैया करवाना नगर निगम का पहला काम है, लेकिन बीजेपी सरकार नगर निगम को पानी मुहैया कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इसके चलते कांग्रेस राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर बर्खास्ती की मांग करेगी। निगम और सरकार लेती तो शिमला में ऐसा नहीं है, लेकिन पहली बार 10 महल तो लोगों को पानी मुहैया कराने में फेल साबित हो रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने इस तरीके का आरोप लगाया। कांग्रेस राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेगी और नगर निगम की बर्खास्ती की मांग उनकी ओर से की जाएगी। तो कांग्रेस विधि विभाग ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। लोगों की जो दिक्कत है पानी की किल्लत को लेकर, जो दिक्कतें उनको आ रही है उसे सही करने में फेल साबित हो रही है बीजेपी सरकार, और कांग्रेस राज्यपाल को भी ज्ञापन इसी को लेकर सौंपेगी और साथ ही नगर निगम की बर्खास्ती की मांग की जाएगी। तो कांग्रेस विधि विभाग ने आरोप लगाया है उसको पानी मुहैया करवाना, लोगों को पानी मुहैया कराने में फेल साबित हो रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेगी और साथ ही नगर निगम की बर्खास्ती की मांग उनकी ओर से की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि फेल साबित हो रही है बीजेपी। इस तरीके का आरोप कांग्रेस विधि विभाग ने बीजेपी पर लगाया है और कहा कि पानी की जो किल्लत लगातार शिमला में देखने को मिल रही है, उसे हटाने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। उसको पानी मुहैया करवाना, अगर ये आवाज लोग उठा रहे हैं